हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पिक्सेल चेक करने वीडियो में, जिसमें आज हम करेंगे कुछ स्टेटस क्रिएटिव बल वाली फोटो एडिटिंग को अपने पिक्सेल मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूं मैं। तो मैंने अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया। अब हम अपने मॉडल जो पिक को इम्पोर्ट करेंगे। एड फोटो पर जाकर हम अपने मॉडल जो पिक को इम्पोर्ट कर लेंगे। तो मैंने अपने मॉडल जो पिक को इम्पोर्ट कर दिया है। तो हमें इसे बैकग्राउंड से रिमूव करना है। हम इरेजर टूल पर क्लिक करके यहाँ पर रेजर पर क्लिक करके हम इसे हार्डनेस को बढ़ा के फिर रेस्ट कर देंगे। तो मेरा जब कोई रेस्ट कर देता हूँ, मैं आपसे रेस्ट करने के बाद मिलता हूँ। तब तक आप वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट कर देना। सो यहाँ से मैंने इसको रेस्ट कर दिया है। तो अभी हल्की फुल्की जो एजेस पे बच रही है, मैं उसको भी अच्छी तरह से रेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूँगा। और जब आपको ये डाउनलोड लिंक, इस बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने आप इंस्टाग्राम का भी लिंक अपना दे दिया है, एक बार जरूर से चेक कर लेना, फॉलो भी कर देना मेरे को। तो अब हम यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसको अच्छी तरह से रेस्ट कर दिया है। तो हल्की फुल्की से जो एजेज बची हुई है, मैं उसको थोड़ा सा और ठीक कर लेता हूँ। तब तक गाइस आप लोग वीडियो देखो अच्छी तरह से और सीखो। और हाँ गाइस, आपको आज थोड़ा सा नॉइज़ सुनाई दे जा चुकी है, बारिश हो रही है हमारे घर तरफ, तो थोड़ी बहुत बारिश की नॉइज़ आएगी कोई वीडियो के अंदर। तो यहाँ से रेस्ट कर लिया मैंने अच्छी तरह से। अब उसको हम वहाँ पर सेंटर पर प्लेस कर देंगे और हम मॉडल तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देंगे बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं हल्की फुल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा दूँगा, जिससे हमारे मॉडल पे पूरी तरह से लाइट आ जाएगी। मैं थोड़ा सा क्लियरिटी भी प्लस कर दूँगा, कंट्रास्ट भी थोड़ा सा डाल दूँगा, हाईलाइट्स तो भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे यहाँ पर हम 20 अराउंड, और थोड़ा सा शेडो तो भी प्लस कर देंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर हम टेम्परेचर प्लस कर देंगे 15 या 16 के अराउंड। उस पर दिखो यहाँ से हम डन कर देंगे। अब फिर से हम टूल वाले टूल्स पे जाएंगे अपने, यहाँ से एडजस्टमेंट पे जाएंगे हम। यहाँ से हम पूरी फोटो को एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैं हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा, जिससे हमारे बल्ब के बीच में जो सेंटर में जो हाईलाइट है वो बढ़ जाएगी यहाँ पर। यहाँ से मैंने थोड़ा सा सैचुरेशन प्लस किया, मैंने हाईलाइट थोड़ा सा डाउन किया है और शेडो तो प्लस कर दिया है यहाँ पर। हम थोड़ा सा टेम्परेचर दे देंगे गाइस, जिससे हमारे फोटो में पीली क्लियर थोड़ी सी टोन आ जाएगी। उसके बाद हम ड्रॉ वाले टूल पर जाएंगे, यहाँ पे क्लियर बनी हुई हुई जी। तो हम ब्रश सजा पे होता है रत्ना पे सिटी, और आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्टिक शेडो बना देनी है पैरों के पास हल्की सी, जिससे थोड़ी सी और अच्छी दिखेगी। तो मैं यहाँ पे शेडो बना देता हूँ पैरों के पास। तो मैं पैरों के पास थोड़ी सी शेडो बना दिया हूँ। शेडो बनाने के बाद गाइस हम अब लेयर पे क्लिक करेंगे वापस से। हमें एक न्यू लेयर ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर लेयर पे क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर को ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम, तो हमें अभी इसके जीन्स पे थोड़ी सी ब्लैक वाली टोन डालनी है। तो उसके लिए हम जहाँ पर शेडो बनी हुई है ब्लैक वाली, वहाँ पर हम हल्की सी उसको डार्क करेंगे। मैं वहाँ पे ब्रश चलाऊँगा अभी, तो मैंने इसके जीन्स पे चला दिया है। जहाँ पर ब्लैक ब्लैक है वहाँ पर मैं चला दूँगा। यहाँ पर जहाँ पर हमें थोड़ी सी डार्क करनी है अभी, उस हम लेयर पर क्लिक करेंगे और इसके ओपेसिटी को हम 50 अराउंड या 50 या 60 अराउंड रखेंगे यहाँ पे हम इसके ओपेसिटी को। सो हमारी फ़ोटो पूरी तरह से बन चुकी है गाइस। तो यहाँ से हम सेव इमेज कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की फ़ोटो। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पे। गाइस तब तक के लिए बाय।